पूर्वोत्तर का राज्य असम अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन अपनी खूबसूरती के साथ साथ असम की घाटियों में कई तरह के राज भी दफन है। एक ऐसा ही राज है उस घाटी का जहाँ पर पक्षियों की मौत हो जाया करती है, और हैरत की बात यह है इनका शिकार नहीं किया जाता बल्कि ये पक्षी खुद अपनी जान ले लेते हैं। असम में स्थित उस जगह को सुसाइड पॉइंट के नाम से जाना जाता है जहाँ पहुंचने वाले पक्षी कभी जिंदा नहीं बचते। आज हम अपने वीडियो में उसी रहस्यमय जगह को दिखाने जा रहे हैं, बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। असम का एक गांव पक्षियों का सुसाइड पॉइंट, जहां पहुंचकर पक्षी कर लेते हैं सुसाइड। अमूमन आपने सुसाइड पॉइंट के बारे में सुना होगा जहां प्रेमी जोड़े जाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी पक्षियों के सुसाइड पॉइंट के बारे में सुना है? जी हां, आज आपको हम अपने इस वीडियो में पक्षियों के सुसाइड पॉइंट को दिखाने जा रहे हैं जहां पहुंचकर पक्षी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। इस जगह को लेकर लगातार शोध होता रहा है कि आखिर इसी जगह पर आकर ही क्यों पक्षी सुसाइड करते हैं, लेकिन आज भी वो जगह रहस्यमय बनी हुई है। असम के दिम हासो जिले की पहाड़ी में स्थित एक घाटी है जिसे जतेंगा घाटी कहा जाता है। यह घाटी पक्षियों के सुसाइड पॉइंट के रूप में जानी जाती है। हर साल सितंबर की शुरुआत के साथ ही आमतौर पर छिपा रहने वाला जतेंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या की वजह से चर्चा में आ जाता है। यहां न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी भी अगर इस दौरान पहुंच जाए तो वो खुदकुशी कर लेते हैं। जतेंगा गांव को इस कारण से काफी रहस्यमय माना जाता है। इस बारे में वैज्ञानिकों ने काफी पड़ताल की कि आखिर क्या वजह है जो एक खास मौसम में और एक खास जगह पर पक्षियों को ऐसा करने की उकसाती है। दरअसल ये रहस्यमय इसलिए भी हो जाती है क्योंकि सुसाइड की प्रवृत्ति अमूमन इंसानों में देखने को मिलती है, जैसे परीक्षा या नौकरी के नतीजे या फिर संबंधों में असफल होने पर कई बार लोग खुदकुशी कर लेते हैं। साथ ही कई ऐसी जगह हैं जो इंसानों के लिए सुसाइड पॉइंट के तौर पर जानी जाती है, जैसे ऊंची इमारतें या गहरी खाई, यानी ऐसी जगह जहाँ पर मौत सुनिश्चित हो सके। लेकिन पक्षियों के मामले में एक बात अलग हो जाती है, जहाँ आने वाले पक्षी तेजी से उड़ते हुए इमारतों या ऊंचे पेड़ों से जानबूझकर टकरा जाते हैं और तुरंत ही उनकी मौत हो जाती है। ऐसा इक्का दुक्का नहीं बल्कि सितंबर के इस समय में हर साल हजारों पक्षियों के साथ होता है। ये बात अजीब इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये पक्षी शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच ही ऐसा करते हैं, जबकि आम मौसम में इन पक्षियों की प्रवृत्ति दिन में ही बाहर निकलने की होती है और रात में वे घोंसले में लौट चुके हैं। फिर क्या वजह है जो वे एक आध महीने के लिए अचानक अंधेरा घिरने पर घोंसलों से बाहर हजारों की तादाद में आते हैं और टकरा कर मर जाते हैं? पक्षियों के सुसाइड के मामले आज भी बने हुए हैं रहस्य। दरअसल आत्महत्या की दौड़ में स्थानीय और प्रवासी चिड़ियों की 40 प्रजातियां शामिल रहती हैं। कहा जाता है कि यहां बाहरी अप्रवासी पक्षी जाने के बाद वापस नहीं आते। इस वैली में रात में एंट्री पर प्रतिबंध है। वैसे जतेंगा गांव प्राकृतिक कारणों के चलते 9 महीने बाहरी दुनिया से अलग थलग ही रहता है। कई पक्षी विज्ञानियों का मानना है कि इस दुर्लभ घटना की वजह चुंबकीय ताकत है। जब नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेज बहती हैं तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। रोशनी के कारण उन्हें दिखाई नहीं दे पाता और तेजी से उड़ते हुए वे किसी इमारत या पेड़ या वाहनों से टकरा जाते हैं। यही वजह बताते हुए वैज्ञानिकों ने सितंबर महीने के दौरान जतेंगा में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी। यहां तक कि शाम के समय या गाड़ियां चलाने पर मनाही हो गई है ताकि रोशनी न हो, लेकिन इसके बाद भी अजीबोगरीब तरीके से पक्षियों की मौत का क्रम जारी रहा। ये चीज केवल और केवल जतेंगा गांव में ही दिखती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक गांव से 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में भी पक्षियों के साथ ऐसा नहीं होता। गांव वाले इसके पीछे किसी रहस्यमय ताकत का हाथ मानते हैं। वहां मान्यता है कि इस दौरान हवाओं में कोई पारलौकिक ताकत आ जाती है जो पक्षियों से ऐसा करवाती है। वे मानते हैं कि इस दौरान इंसानी आबादी का भी बाहर आना खतरनाक हो सकता है, इसलिए सितंबर अक्टूबर के दौरान वहां शाम के समय एकदम सुनसान हो जाता है। पिछले 110 साल से बना हुआ है जतेंगा घाटी का रहस्य। वैसे तो पक्षियों की कथित आत्महत्या का यह सिलसिला साल 1910 से ही चला आ रहा है, लेकिन सबसे पहले साल 1957 में बाहरी दुनिया को इसका पता चला। तब पक्षी विज्ञानी ईपीजी किसी काम से जतेंगा आए हुए थे। इसी दौरान उन्होंने खुद इस घटना को देखा। इस घटना का जिक्र पक्षी विज्ञानी ने अपनी किताब द वर्ल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में किया। वे लिखते हैं, कई कोशिशों के बाद भी इसकी वजह समझ नहीं आ पा रही। पक्षी हर साल 15 अगस्त से 31 अक्टूबर के दौरान ऐसा करते हैं जब कोहरा और नमी होती है। सबसे अजीब बात यह है कि ऐसी अंधेरी रातों में ही होता है जब चांद की रोशनी बिल्कुल नहीं हो।
तब से लेकर आज तक इस पर देश विदेश के कई वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके हैं। यहाँ तक कि वन विभाग के अफसरों ने भी इसकी वजह जानने की कोशिश की, लेकिन अब तक पक्षियों की खुदकुशी की वजह या फिर इसे रोकने का कोई तरीका नहीं निकल सका है। बहुतरी बार इमारतों से टकराकर घायल हुए पक्षियों को उपचार और उन्हें खाना खिलाने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये तरीका भी बेअसर रहा। ऐसे पक्षियों ने खाना लेने से इनकार कर दिया और इलाज पर भी उनके शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।